साथियों नमस्कार। हमने जितने भी आंदोलन देखे और उनसे एक ही अनुभव लिया कि जिस वक्त आंदोलन के अंदर राजनीति घुस जाती है, राजनीति प्रवेश कर जाती है, आंदोलन टूटना शुरू हो जाता है। राजनीति का प्रवेश करने से मेरा मतलब कि आंदोलन के अंदर रह रहे लोग ये सोचने लग जाते हैं, मैं आंदोलन के बल पर चुनाव लड़ूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें आंदोलन को बिठाने का काम करती है, ना कि उठाने का। दूसरी बात, किसान आंदोलन के चलते बहुत सारे बच्चों पर भी केस हुए, इंक्लूडिंग मी। मेरे जैसे युवा साथी जिनका पूरा भविष्य पड़ा था, उन डिग्रियों पर लाल सिक्का चल चुका है। तो कहीं भी लोग ये नहीं सोचते कि आंदोलन के अंदर लोग समर्पण से लगे हुए हैं। उन्हें एक चीज फेस वैल्यू चाहिए, उन्हें फेम चाहिए। और दूसरी बात, इन चीज़ों में हम जब हक की लड़ाई लड़ते हैं तो राजनीति को एक साइड हमें रख देना चाहिए। आज टोहाणा को टारगेट बना लिया है किसान आंदोलन का। क्यों भाई, कितने दिन हो गए, जमानत पर ही हमारे साथियों को छुड़वाना था, तो आज से 3 दिन पहले छूट जाते और वो बीड़ी दी टिकरी बॉर्डर पर दिखती ना, तो आज हम दिल्ली जीत जाते। लेकिन नहीं, हमें तो बार बार वहीं प्रवेश करना है जहां लोग ये सोचते हैं कि यहां कुछ न कुछ आपको नए लोग मिलेंगे। आप मेरा सीधा सा मतलब, मैं किसी का नाम तो यहां नहीं लेना चाहती, हमारे किसान साथियों को छुड़वाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक साथी जो रह रहा है वो भी छूट जाएगा, जमानत पर बुलाना है तो चाहे बेशक आज बुला लो। अगर केस जमा ही रद्द करवाओ हो तो फिर 3 दिन 4 दिन पाछे जमानत पर बुलाइयो भी ना। जमानत आज भी हो सके और हमारे पिछले साथियों की जमानत 3 दिन पहले हो गई होती। लेकिन आंदोलन को एक राजनीतिक प्रपंच ना बनाओ। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, उन साथियों की तरफ देखो जो शहीद हुए हैं यहाँ पर, उन साथियों की तरफ देखो, मतलब जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उन साथियों की तरफ देखो जो सिर्फ किसानी के लिए लड़ रहे हैं, नंबर बनाने के लिए नहीं लड़ रहे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।